पहले किया जाए अमृतसर रेलवे स्टेशन को। धन्यवाद। श्री अक्षरभर लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत जी, आपने रेल विभाग के 2022-23 के बजट के अनुदान के पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, 3 मार्च 2022 को माननीय रेल मंत्री जी ने मंत्रालय से संबंधित समिति में हम लोगों को जबर रेल घुटना रोकने के लिए एक नई योजना की जानकारी दी, कवच की, तो अति प्रसन्नता हुई। और माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि मैं ट्रायल के समय स्वयं उस इंजन में रहूंगा, और आपने ट्रायल के समय उस ट्रेन इंजन में बैठ करके इसका ट्रायल किया और देश को नया उपहार दिया ट्रेन दुर्घटना रोकने के लिए। माननीय सभापति जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंदर आता है। वहां पर मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि बहराई से लेकर गुंडा तक 65 किलोमीटर की विद्युतकरण कराने का कार्य किया, और खलीलाबाद से लेकर के बहराइच तक 240 किलोमीटर जो लंबी नई रेल लाइन का के लिए आपने बहुत बड़ी धनराशि आवंटित किया है, उसके लिए 5 जिलों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मानवर यह जो नई रेल लाइन है जो गोरखपुर से हमारा जो मुख्य मार्ग है खलीलाबाद से उत्तरगोला डुमरियागंज भिनगा सरावस्ती बलरामपुर होते हुए बहराइच तक आ रही है, ये आगे बहराइच में रुक जा रही है। आसाम से लेकर जो लखनऊ की हमारी मेन लाइन है, एक हमारा रेलवे स्टेशन है बहराइच का जरवन, अगर इसको वहां जोड़ दिया जाए तो इसकी सार्थकता उपयोगिता दोनों बढ़ जाएगी, और 5 जिला के लोगों को सीधे लखनऊ दिल्ली आने के लिए सुविधा मिल जाएगी। आज का मैं पिछले 2 लोकसभाओं में मैंने वर्णन किया है, मांग किया है, मानव मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इसका सर्वे कराने के लिए धन का आवंटन कर दीजिए। दूसरा मानवर, हमारा जो कोरोना टाइम है, आपने समिति में भी कहा था कि जो रेलगाड़ियां बंद हो गई उन्हें चलाने का कार्य किया जाएगा। मैलानी से बहराइच तक की ट्रेन बंद हो गई है, उसको चालू कराया जाए। गोंडा से बहराइच की ट्रेन बंद हो गई है, उसको चलाने की कृपा की जाए। इसी प्रकार से बहराइच से लेकर के कुछ ट्रेनें जो हैं गोंडा से प्रारंभ होती हैं, उसको बहराइच से प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के लिए सेवा दी जाए, और बहराइच से गोंडा होते हुए भी लखनऊ के लिए ट्रेन की सेवा दी जाए। दूसरा, रेलवे लाइन जो रेलवे का पहुंच मार्ग है, जो स्टेशन का 700 मीटर 800 मीटर ऐसे बहुत से मार्ग हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 4-5 साल से वो बने नहीं हैं, लोगों को आवागमन की बड़ी असुविधा होती है, यात्रियों को, उसमें है मेहपुरवा, बाबागंज, मटेरा, अरसिया, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको बनवाने का जरूर किया जाना चाहिए। हमने लिख करके DRM से कहा था तो उन्होंने जवाब दिया कि पैसे के अभाव में ये कार्य नहीं हो पा रहा है। मानवर, यदि रेल यात्री स्टेशन पर नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, चरपहिया, दोपहिया, कोई भी साधन नहीं जा पाता है, इसलिए इतना तो धन का आवंटन हो ही सकता है कि वो कार्य हो सके। दूसरा, हमारे संपर्क फाटक संख्या बहराइच के 41 पर बंद कर दिया गया है, उस पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनवाया जाए, और इसके साथ संपर्क फाटक संख्या 42 जो नीचे का है वो बंद न किया जाए। ये कुछ बहुत आवश्यकताएं, और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है मानवर, कि जो आपने 240 किलोमीटर दिया है, यदि 60 किलोमीटर और दे दें तो निश्चित रूप से 5 जिलों के करोड़ों लोगों को आवागमन का साधन होगा। मेरी आपसे बहुत विनती है, बहुत ही विनती है कि 60 किलोमीटर के लिए कम से कम सर्वे का कार्य करा दे। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बंदर, मान्य सदस्यगण, आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, मान्य सदस्यों के लिए कमरा नंबर 70 में प्रबंध किया गया है, और सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए 73 और 74 में प्रबंध किया है। मेरा छोटा सा निवेदन है, जब भी आप समय मिले भोजन करें। धन्यवाद। नाउ द अटेंडेंस ऑफ द हाउस इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पीकर श्री विजय कुमार।